नमस्कार, संसार क्रांति की टीम पानीपत में मौजूद है और जैसा कि हम दर्शकों के साथ कमिटमेंट करके चलते हैं कि हर बार किसी न किसी कार्यक्रम में खास शख्सियत से मुलाकात कराते रहेंगे, तो आज हमारे साथ चर्चा में शामिल है लोकसभा क्षेत्र की रोहतक की जो जिला प्रभारी है गीतांजलि। गीतांजलि जी, स्वागत आपका संसार क्रांति के खास कार्यक्रम में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल गीता जी, जैसे महिलाओं की हम बात करते हैं, आज महिलाएं राजनीति में नहीं आना चाहती। वैसे तो आज भी कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान है, यदि देखा जाए तो पुरुष प्रधान देश है। कहीं ना कहीं सर्वे के माध्यम से पता चला है कि पुरुष प्रधान ही देश है, क्योंकि जो लड़कियां जो महिलाएं आगे आती हैं वो कहीं ना कहीं ससुर की या भाई की या पति की अनुमति के बगैर नहीं आती। तो इसके बारे में महिलाओं की जो ऐसी सोच है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहोगे आप? अब ये किसी वक्त ये बात सच थी कि ये सब चीज़ जो आपने बोली वो होती थी, लेकिन अब महिला आगे आना चाहती है और अब महिलाओं ने आगे आना शुरू कर दिया है। अब वो समय निकल गया है, अब क्रांति का समय है, वो समय है जिसमें देश में नारी की बहुत आवश्यकता है। जब नारी एक घर संभाल सकती है तो वो देश क्यों नहीं संभाल सकती। हम ऐसा सोचते हैं कि हम लोग पुरुषों से ज़्यादा अच्छा देश संभाल सकते हैं। गीतांजलि जी, राजनीति में आने का उद्देश्य होता है व्यक्ति का, वैसे तो मनुष्य रूपी जो जीवन होता है इसका भी जीने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और राजनीति तो एक अहम कड़ी होती है देश के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी। तो जानना चाहूँगा आपका मुख्य उद्देश्य है बिजनेस के तौर पर या सर्वहित या राष्ट्र के लिए, तो क्या उद्देश्य लेकर के आप राजनीति में आए हो? मेरा नाम गीतांजलि है और मैं ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल की वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं ज़्यादा अक्सर बाहर रहती हूँ और बाहर ट्रैवल करती हूँ। मैंने बहुत सारे देशों में गई हूँ और जब मैं यहाँ पर आके मैं सैनी सर से मिली और उनके मुद्दे और मुद्दे मेरे मुद्दे दोनों सेम थे, क्योंकि मैं भी ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रही हूँ और वो भी ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। उनके ये मुद्दे बहुत अच्छे लगे, जिसके कारण मैं सिर्फ यहाँ के लोग को न्याय दिलाना चाहती हूँ, इन लोगों को उठाना चाहती हूँ। वो तो फिर गीतांजलि जैसे बगैर राजनीति में भी सामाजिक क्षेत्र में आप काम कर सकते हो, इससे पहले आपने सामाजिक क्षेत्र में काम किया? मैंने कई सामाजिक क्षेत्र में किया। मैंने वसंत कुंज में 2500 ओल्ड सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्हें मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, तो मैं सोशल में बहुत पहले से थी, ऐसा नहीं है कि मैं आज हूँ। तो लोकतंत्र सुरक्षा मंच जैसे आप जुड़े हो इनसे, तो इन यहाँ से जुड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इससे पहले राजनीति पार्टी में अन्य पार्टी में रही हो आप? नहीं, मैं किसी भी पार्टी में नहीं रही, लेकिन क्योंकि मैं जब 2400 ओल्ड पीपल्स को जब मैं देखती थी तो उनकी जो डे टू डे समस्या थी वो ये जो राजनीति में हम लोगों को जैसे उन लोगों के लिए ओल्ड एज होम बनाना या उसमें वहाँ में बहुत तकलीफ होता था। तब हमें ऐसा लगता था कि हमारे पास पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी उनकी मदद नहीं कर सके। तब हमने सोचा था कि हम में से किसी को एक को राजनीति में जाना पड़ेगा, जिसके कारण हम शायद उनको मदद कर पाए। अब क्या लगता है आपको, यदि लोक सुरक्षा मंच के माध्यम से यदि आपको पार्टी बड़े जिम्मेदारी देती है, क्या आप उसको बखूबी रूप से निभा पाओगे? मुझे अपने पे बहुत भरोसा है, लेकिन मुझे पार्टी मुझ पर कितना भरोसा करती है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, इट्स टू अर्ली, बट मेरे को जो सा भी कार्य दिया जाएगा। पार्टी के जो लोक सुरक्षा मंच है, नीति से या नेता से प्रेरित हो, या नीति अच्छी है या नेता अच्छा है? मैं दोनों से प्रेरित हूँ, नेता से भी और नीति से भी, और इनके जो नीति सबसे अच्छी है और एक मानवता को ऊपर उठाने के लिए है, इंसाफ के लिए है, और इस मंच से जो जो भी जुड़ेगा उसको पूरे का पूरा फल मिलेगा, अच्छाई मिलेगी। बिल्कुल, क्या लोक सुरक्षा मंच जो युवाओं को जोड़ने का जो कार्य कर रहा है फिलहाल, तो क्या आपको लगता है जो युवाओं की जो दशा और दिशा उसमें सुधार का कहीं ना कहीं अच्छा देखने को मिलेगा? पूरा 100%, और इन लोगों के लिए ही साफ लड़ रहे हैं। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हमारे लोगों की तो ज़िंदगी निकल गई, हम आगे हमारे पास क्या आना है, जो भगवान ने देना था वो हमें दे दिया। लेकिन आज के जो युवा हैं, जो लोग नौकरी हैं और लोग इधर उधर भाग रहे हैं, जो उन लोगों को गलत राह पे जा रहे हैं, उस सबसे इस मंच वाले में सब सुकून मिलेगा और उन लोगों को जो वो सोचा भी नहीं होगा वो भी उनके लिए हम लोग करके दिखाएंगे। बिल्कुल, कल की जो रैली होने वाले, तो इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहोगे आप दर्शकों को? हमारे ने बहुत मेहनत करी है और मैं सबको दोनों हाथों से उन लोगों को वेलकम करती हूँ और उन लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और यहाँ पे सैनी सर को और इस मंच को आशीर्वाद दें और उसके बाद अपना भविष्य बनाएं, और मुझे लगता है कि उनका जो भविष्य है वो लोकतंत्र सुरक्षा मंच से ही उनकी तमन्नाएं इच्छाएं पूरी होंगी। धन्यवाद।
बिल्कुल। तो गीतांजलि जैसे महिला, गीतांजलि जी महिलाओं को तो पूरी देश की जो महिलाएं हैं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, तो क्या संदेश देना चाहोगी आप पूरे देश की महिलाओं को और लड़कियों को? मैं लड़कियों को और महिलाओं को ये कहूँगी, डरो मत। जैसे मैंने सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ी हूँ, वैसे आप लोग भी बढ़ो। तो आप लोग शक्ति हैं। जब हम नौ दुर्गा में नौ देवियों की उपासना करते हैं और हम लोगों में ताकत आती है, तो उसी तरीके से अगर हम सब मिलकर इस मंच में आएंगे तो शायद इनकी ताकत बनेंगे और इन्हें हम उस मकाम पे पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल। तो चर्चा में शामिल हमारे साथ गीतांजलि जी, जो लोकसभा क्षेत्र रोहतक से हैं, और इनका बखूबी रूप से कहना कि यदि लोकतंत्र सुरक्षा मंच की तरफ से यदि हमें बड़ी जिम्मेदारी देती हैं उसके लिए हम तैयार हैं और हमारा सौभाग्य है ऐसे मंच से यदि हमें कार्य करने का मौका मिलता है। तो संसार क्रांति की टीम इसी प्रकार से किसी न किसी खास कार्यक्रम में और खास शख्सियत से मुलाकात कराती रहेगी। तब तक के लिए संसार क्रांति के साथ जुड़े रहिए। संसार क्रांति के लिए पानीपत से मैं अजय भारद्वाज।